भी कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर वो चाहते तो कितना पार्ट कम कर लेते हम लोग। मैं तो कब से बोल रही हूँ, वो आदमी है, वो आदमी की दुकान से करते थे तो बोलते अरे मानूस आए जाऊ दे, मानूस आए तो घर ही छोड़ा गेला। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत अपराध दिन ब दिन बढ़ते चला जा रहा है। इसी कड़ी में आज एक और बड़े अपराध की घटना विरार पश्चिम से सामने आई है, जहां विरार पश्चिम अंतर्गत अग्रवाल क्षेत्र में झाड़ियों में पड़े एक कबाट में एक युवक का शव मिला है। जिस युवक का यह शव मिला है वह युवक विरार के पूर्व का नारंगी पाटा का रहने वाला रिक्की वाघेला बताया गया है। रिक्की वाघेला 26 अगस्त को घर से लापता हुआ था, जिसके बाद से लगातार परिजन उसकी तलाश कर रहे थे लेकिन परिजनों को नहीं मिला। 27 अगस्त को रिक्की वाघेला के गुमशुदगी की रिपोर्ट विरार पुलिस स्टेशन में लिखवाई गई। उसके बाद आज करीब करीब 7 दिन बीतने के बाद रिक्की वाघेला की लाश पुलिस को बरामद हुई है। रिक्की वाघेला के परिवार ने आरोप लगाते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाते हुए यह दावा किया है कि रिक्की के साथ हुए हादसे में वही लोग जिम्मेदार हैं। दरअसल रिक्की वाघेला पेटीएम मशीन बेचवाने का काम करता था और इसी सिलसिले में विरार के नारंगी के एक दुकानदार से पेटीएम मशीन के खरीद बेचान का उसका कुछ काम था, वो उसी लिए उस दुकान पे गया था। तब से वो घर पे नहीं आया और उसके बाद से वो लापता था, ऐसा घर वालों का आरोप है। उसके बाद परिजन उसको तलाश करते रहे, 26 अगस्त को घर नहीं आया, 27 अगस्त को पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की गई और फिर उसके बाद आज 7 दिन बाद में उसकी बॉडी मिली। इस मामले में परिजनों ने पुलिस के ऊपर लापरवाही का आरोप भी लगाया और बोला कि अपने बयान में उन्होंने ये कहा कि पुलिस अगर पहले समय रहते इसकी जांच बराबर से करती तो शायद रिक्की के साथ ये न होता। अब पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और पुलिस जांच कर रही है। अब देखा जाएगा कि आगे पुलिस की जांच में क्या इसमें स्टोरी सामने आती है। तो सुनिए इस मामले में पीड़ित मृतक के परिवार के बयान, क्या कुछ उनका कहना है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। आपका नाम? काजल रिक्की वाघेला। काजल जी, क्या हुआ है? शुक्रवार को लास्ट बात हुई 3:15 बजे, तो उन्होंने बोला जयेश पंचल की दुकान में हूँ। पिछले शुक्रवार को आपकी बात हुई थी, एक हफ्ता 9 दिन पहले। तो उन्होंने बोला मैं इधर मशीन बेचने आया हूँ, पहले तो मैं जयेश का मशीन मारूंगा, उसके बाद वो जो कस्टमर लाया है डॉक्टर, तो उसका मैं मशीन मार लूंगा बोलते है, तो वो काम हो जाएगा तो मैं घर पे आऊंगा। फिर आपने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दी? नहीं, बाद में वो आए ही नहीं। मैंने 7:30 बजे फोन लगाया क्योंकि 7:30 बजे वो आ जाते हैं घर में, चावल दाल जो भी है सामान सब लेके आते, तो 7:30 बजे आए नहीं। मैं कंटिन्यू फोन बाजू वाले के फोन से लगा रही हूँ लेकिन फोन उठा ही नहीं रहे थे। बाद में मुझे टेंग और मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया कि मैंने ऐसा आज ऐसा क्यों कर रहे कि फोन भी नहीं कर रहे कि ना फोन उठा रहे, व्हाट्सअप बंद आ रहा है। तो मैं बच्चे को लेके चल दी और बच्चे को दुकान पता था और आदमी का फेस देखा था, इसके लिए थोड़ा मुझे उतना सपोर्ट मिल गया उसका। तो मैं उधर गई तो उसका दुकान बंद था और लाइट चालू था, और लाइट और इतनी गैप थी तो लाइट दिख रही थी कि लाइट चालू है। तो मैं मिठाई वाले को पूछिए भैया किधर गए, और मेरे आदमी को देखा क्या? मैंने फोटो भी देखा है कि मेरे आदमी को आपने देखा? तो मिठाई वाला बोलता है कि मैंने नहीं देखा। तो मैंने बोला नहीं देखा ऐसे कैसे, आप आजू बाजू में आप लोग दुकान चलाते हो, इंसान को देखना चाहिए ना कौन आता है कौन नहीं। बोलता मेरे को नहीं पता, मैं अपना धंधा कर रहा हूँ। तो मैंने छोड़ दिया और बोर्ड पे जो नंबर था तो मिठाई वाले के फोन से ही लगाया मेरे बच्चे ने, और मैंने बात किया, मैंने बोला किधर हो, मेरा आदमी आपकी दुकान से ही गया है, मुझे नहीं पता, मेरा आदमी आपकी दुकान से ही चाहिए मुझे, घर पे नहीं आया। आपने किससे कही ये बात? पंचल से, जयेश पंचल से जी। तो मैंने वो ही बोला उनको, तो बोलता है आप उधर ही रुको, किधर बोलते हैं आप उधर ही रुको लेकिन दुकान से साइड पे खड़े रहो, बाहर आ जाओ थोड़ा,
दुकान के उधर खड़े रहो मत। तो मैंने बोला आप किधर हो, कितना टाइम लगेगा? बोलते मैं आ रहा हूँ ऑटो से। बाद में आया स्कूटी से, तभी मैं उससे झगड़ा किया, आप आ रहे थे ऑटो से ना, ते बाइक किधर से आ गए? झूठ बोलते हो इतना सारा, और बोलते हो खाना खाने बैठा था, खुद पेट भर के खा रहे और हम लोग को भूखा रख रहे, मेरा आदमी किधर है? इतना भी मैं झगड़ा की। और एक लेडीज आई है, बोलते क्या हुआ दीदी, बच्चे को लेके ऐसा? पर मैं थोड़ा रो भी रही थी क्योंकि मैं डर गई थी कि क्या हुआ। और आदमी को और उनको इतना भी बोली कि थे मेरा चाचा ससुर रहते, पुलिस में भी काम करते, चलो अभी क्या भी। तो बोलते आप शांति रखो, आदमी किधर पार्टी करने चला गया। मैंने बोला पार्टी करता है तो मुझे बताता है, कुछ भी करता है मुझे बताता है, कितना भी लेट होने तो मुझे पहले बताता है। फिर आपने उसके बाद में क्या किया? उसके बाद वो मेरे को बोलता है बच्चे की कसम, बच्चे का मुंह देखो, घर पे चलो। तो मैं बोली, वो बोलते आ जाएगा आ जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा उनके माइंड में आ गए, मैंने बोला वो बोल रहे तो थोड़ा सुन लेती हूँ। और जाने नहीं दिया चाचा के घर पे, मैंने इतना बोला तो जाने नहीं दिया। तो इधर फिर बाद में उसके बाद में आपने एक मिसिंग कंप्लेंट दी, दूसरे दिन मिसिंग कंप्लेंट दी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, पुलिस ने कैसी छानबीन की आपकी? पूछ नहीं, पुलिस मुझे ही बार बार पूछ रहे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं इतना बोल के थक गई, इतनी छोटी बच्ची को लेके जा के धक्के खा रही हूँ। आज पुलिस के लापरवाही के वजह से मेरे आदमी को ये हो गया, आज पुलिस के लापरवाही से। और आज इतना जल्दी करते ना, ये 8 दिन भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर वो चाहते तो कितना बात कम कर लेते हम लोग। मैं तो कब से बोल रही हूँ, वो आदमी है, वो आदमी के दुकान से करते थे। तो बोलते अरे मानूस आए जाऊ दे, मानूस आ तो घर ही सोड़ाला गेला, असं काय नाही होता तिजा मना मधी। अपने को थोड़ी पता है किसके मन में क्या है, सामने तो सब लोग अच्छे से। लेकिन आपको 100% डाउट था कि पंचल नहीं आपके आदमी को अपहरण किया है? हाँ मुझे पता है, आपको 100% ऐसा डाउट था? मुझे पूरा शक ही हो रहा था उसके ऊपर। उसके दुकान से गए और मुझे उसके दुकान से निकलते ना तो भी फोन करते हैं वो, लेकिन उस बार फोन आया ही नहीं। सर के पास से मशीन भी लेते हैं ना तो भी फोन आते, सर के पास मशीन लिया अभी मैं मशीन बेचने जा रहा हूँ। इतना सब बताते मेरे हस्बैंड, तो ये क्यों नहीं बता कि मैं बोरेली जा रहा हूँ। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।